नववर्ष और नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा आप सभी का प्राइम टीवी में स्वागत करती हूँ। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ऐसे में माता रानी को खुश करने की सभी की मनोकामना होती है। सभी अपनी मनोकामना की इच्छा पूर्ति के लिए माँ को प्रसन्न करते हैं, 9 दिनों तक दिन रात जाग कर उनकी पूजा करते हैं और ऐसे में ये काफी अहम होता है कि हमसे कोई गलती ना हो। इस नवरात्र में किस तरह से पूजा अर्चना करें, माता को किन श्लोकों के साथ खुश करें, साथ ही कौन कौन से विधि विधान हैं जिनका पालन करते हुए हम नवरात्र में माँ को खुश कर सकते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। और इन्हीं तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राम जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से नवरात्र प्रारंभ हुए हैं, तो इस नवरात्र में माता रानी को कैसे प्रसन्न करें, आप भक्तों को बताइए कि ऐसे कौन से विधि विधान है, कौन सी ऐसी पूजा है जिसको करके सब माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। पूरे चराचर जगत में आदिशक्ति की ही महिमा का गुणगान बखान किया गया। ये नवरात्रे हर वर्ष में 4 बार आती हैं, लेकिन 2 बार नवरात्रों का विशेष महत्व, और जो 2 गुप्त नवरात्र आती हैं वो सभी को जानकारी में नहीं रहता है, उसमें गुप्त अनुष्ठान, गुप्त पूजन इत्यादि होता रहता है। ये 2 चैत्र नवरात्र और कुमार महीने में जो नवरात्र आती हैं वो प्रचलन में अधिक हैं। ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो नवरात्र प्रारंभ होती है, ये सृष्टि का पहला दिन है। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की उसका ये पहला दिन है, और पहले ही दिन माता जी का सभी घरों में आगमन होता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नवरात्र हैं। जी, तो माता को खुश करने के लिए सबसे अहम होता है पूजा, पूजा का विधि विधान कि कैसे कलश स्थापना करें, कैसे उनकी पूजा करें, कौन से मंत्र हों जिससे माता खुश हो जाएं, तो ये सब भी हम चाहेंगे कि आप हमारे भक्तों को जानकारी दें। नवरात्र में माता जी का विशेष महत्व है, क्योंकि जगत जननी आदिशक्ति पराम्बा की ही शक्ति के द्वारा सभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हर घर में माता जी की स्थापना, कलश की स्थापना सर्वप्रथम चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सभी जो भक्तगण हैं प्रातःकाल उठ करके माता स्नान करें, और अपने घर में अगर कलश स्थापना, क्योंकि कलश में ही कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता, कुछौत सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो जुर्वेदो सामवेदो तारणा, सभी वेद नदियाँ समुद्र सभी उसी कलश में ही समाहित होते हैं। इससे कलश पूरा ब्रह्मांड है, जैसे हम देखते हैं कि सभी तारा ग्रह नक्षत्र मंडल सभी आसमान में आकाश गंगा में तैरते रहते हैं, तो जो कलश रखा जाता है वे पूरे ब्रह्मांड का कारक माना गया है। इसमें वरुण देवता का आवाहन, और उसी कलश में ही सभी तीर्थों का, वेदों का, नदियों का, समुद्रों का, 7 दीपों का, और सावित्री सभी देवियों का उसमें हम आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं कि आकर के कलश में समाहित हों और हम सभी के सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि इतने हमारे देवी देवता हमको एक जगह स्थापित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कलश में हम सभी देवताओं को आवाहन करके बुला सकते हैं। इससे सर्वप्रथम नवरात्र में कलश की स्थापना करें। जो कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माता जी का पूजा जो है कई प्रकार से होता है, सभी लोग जैसे अपना कलश नहीं रखना चाहते, तो एक बहुत कठिन इसकी विधि नहीं है। मान लीजिए कि सभी लोग आचार्यों को बुला करके माता जी का कलश स्थापन नहीं करवा सकते हैं, तो उसमें क्या करना होगा कि अगर अपने आप से ही करना है, क्योंकि कलश तो देवताओं का स्थान माना गया है, बिना कलश के कोई भी पूजा नहीं हो सकती है, इसे कलश तो अवश्य रखना चाहिए, और कलश में थोड़ा सा गंगा जल और उसके बाद जल भर लें, आम पल्लव अगर मिल जाए आसानी से आम पल्लव लगा लें, उसमें सर्वौषधि है और आपका पंचरत्न है, 1 सिक्का उसमें छोड़ दें, दुर्वा है, हल्दी थोड़ा सा छोड़ दें, और उसके बाद
पूर्ण पात्र के लिए उसमें एक चावल भर करके रख दें, अच्छा सा सुंदर सा, जितना अच्छा आप कलश रखेंगे उतना ही देवी देवता प्रसन्न, क्योंकि जितना हम सफाई से और जितना अच्छे से भाव से अगर हम पूजा करेंगे तो वही बहुत फलदायी होती है। इससे कलश स्थापना में अच्छा सा पल्लव लगावें, पंच पल्लव अगर ना मिले तो आम का ही पत्ता लगा लें, और आम पत्ता लगाने के बाद उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें, चावल रखें, उस पर नारियल और पानी वाला नारियल, उसमें लाल वस्त्र अगर मिल जाए लाल वस्त्र बांध करके, ना हो तो कलावा कलावा बांध लें, कलावा बांध करके उसके ऊपर कलश रख दें और पंचोपचार पूजन कर लें, क्योंकि अगर आचार्य के द्वारा नहीं करा सकते हैं या नहीं वहाँ उपलब्ध है तो अपने आप से ही कलश में धूप दीप चंदन लगा दें, धूप दीप दिखा करके, और ऐसे मन में भावना धारणा लाएं कि सभी देवी देवता हमारे घर में इस नवरात्र में पहले दिन आ करके इस कलश में सभी देवता विराजमान हों और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, जो भी हमारे घर परिवार में रोग विकार हों उनको दूर करें, घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना के साथ ऐसा कह करके अपने मन में ऐसा भाव लाएं और उस कलश में सभी देवताओं का ध्यान करके और नित्य पूजा करें। कलश स्थापना के बाद देवी जी का ध्यान पूजन, पहले जैसा हमारे शास्त्रों में है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा, गौरी जी की पूजा, फिर कलश स्थापना और फिर प्रधान पीठ देवी जी की आराधना। उसमें भी नवरात्रों में 9 दिन का विधान है कि 9 दिन अलग अलग देवियों का दिन होता है, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेत खष्टम कात्यायनीत च, सप्तमम कालरात्रित महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्ता उक्ता नेतान नामान ब्रह्मण्यो महात्मा। नव दुर्गा देवी, नौ देवियों में अलग अलग देवियाँ, अलग अलग उनका स्वभाव है और अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है, अलग अलग उनकी भावना है और अलग अलग धारणा है। जो भक्त जिस कामना से जिस धारणा से उनकी माता जी की पूजा करते हैं, माता उसी रूप में उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। आचार्य जी, आपने विधि विधान तो बता दिया कि किस तरह से कलश स्थापना करी जाती है, और नवरात्र के साथ ही साथ नववर्ष भी शुरू हो गया है, क्योंकि हिंदुओं का नववर्ष इस नवरात्र को कहा जाता है, तो भक्तों के लिए कैसा रहने वाला है ये नववर्ष? हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुसार नव वर्ष प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। बीच में अंग्रेजों ने आकर के या कई देशों में 1 जनवरी से नव वर्ष प्रारंभ होता है, कई देशों में 25 दिसंबर से ही नव वर्ष प्रारंभ होता है। हमारे भारत देश में जो 9 संवत्सर और नया साल जो प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है, जो ब्रह्मा जी का पहला दिन भी माना गया है, सृष्टि का रचना का भी पहला दिन है। आज ही से पूरे वर्ष, क्योंकि नौ वर्ष जब आता है नया वर्ष तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए, दिखना चाहिए कुछ परिवर्तन, जो हमारे जनवरी में नहीं दिखता है, जो ठंडी होती है, कोहरा पड़ता है, ऐसा लगता है कि चारों तरफ, जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तो वृक्षों में नए नए पत्ते, जैसे अभी नया वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल से वृक्षों में नए नए पत्ते, और मौसम परिवर्तन, कई ग्रहों का परिवर्तन जब होता है तो उसे हम नया साल कहते हैं। अब धीरे धीरे ये लोगों को पता ही नहीं रह जा रहा है कि नया साल कब आता है, फर्स्ट जनवरी से ही आज की जो पीढ़ी है वो फर्स्ट जनवरी से ही नया साल समझती है, लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार नव वर्ष जो प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, और इस वर्ष 9 संवत्सर जो प्रथम नवरात्र का दिन होता है, जैसे इस बार शनिवार का दिन है, तो इस वर्ष के जो राजा होंगे, जो नए साल में पहला दिन पड़ेगा, उस वर्ष के जो पहला दिन पड़े वही वर्ष भर राजा राज करेंगे। तो शनिवार का दिन पड़ रहा है तो इस वर्ष के राजा शनि देवता, और शनि देवता राजा 2019 में भी हुए थे, 19 वर्ष में राजा शनि हुए थे। तो शनि का जो फल होता है, परिणाम होता है, बाद में मिलता है, तो इसलिए शनि जाते जाते, कोरोना संबंधी बीमारी जो है जी, ये शनि देवता की ही देन थी, जाते जाते इन्होंने बहुत बड़ी गंभीर बीमारी भी प्रदान की जो अभी भी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इनके कार्यकाल में
जो बीमारी या जो समस्या है, जो चीजें होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। न्याय के तो देवता है, इससे अन्याय भी समाप्त हो रहा है, देश में सफाई भी हो रही है जी। और कई प्रकार से जो अन्यायी लोग हैं उन पे शिकंजा भी कसा जा रहा है। तो इस प्रकार इस वर्ष भी राजा शनि देव, और शनि जब राजा होते हैं तो नई बीमारियां भी फैलने की समस्या रहती है, प्रजा में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, युद्ध के हालात ऐसे बनते हैं, विश्व युद्ध के भी हालात बनते हैं क्योंकि शनि वर्ष के राजा हैं। लेकिन इस वर्ष जो मंत्री का पद है वो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त हुआ है। देवगुरु बृहस्पति के मंत्री होने से ये समस्याओं में कुछ कमी आएंगी, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति मंत्री होते हैं तो धर्म बढ़ेगा और जो पूजा पाठ धार्मिकता जिनके अंदर रहेगी जी। उनके ऊपर संकट भी इतना नहीं आएगा, वो बीमारी से बचते रहेंगे, क्योंकि शनि राजा होते हैं इससे जो पूजा पाठ करेंगे, अपने न्याय पर चलेंगे, और दो नंबर की जो लोग जैसे धंधे करते हैं, दो नंबर का कमाई या गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, या गलत तरीके किसी की जमीन कब्जा लें या किसी का हड़प लें, उनके लिए इस बार बहुत संकट आने की संभावना रहती है। इसलिए चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाहेंगे कि संतोष करें और ऐसे कार्य करें जिससे दूसरे का भी भला हो, ज़्यादा धन के पीछे न भागें, और अगर धन जितना भी प्राप्त हो रहा है शुद्ध आय का प्रयास करें, क्योंकि इस वर्ष के राजा शनि है। और ऐसा कभी कभी आता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी संकट लोगों पे आता है तो लोग सोचते हैं कि गलत कार्य करते हैं उनके ऊपर संकट नहीं आता जी, तो लोग सोचते हैं कि देखो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब शनि की महादशा या शनि का वर्ष आएगा, राजा होंगे तो अपने में दंड उस वर्ष में अवश्य प्रदान करेंगे। इसीलिए मनुष्य को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अभी शनि का शनि मकर राशि पे अपनी ही राशि पर गोचर भी कर रहे हैं और वर्ष के राजा भी, अभी शनि 2.5 साल और अपनी ही राशि पर रहने वाले हैं। इसे 2-2.5 साल में बहुत बड़ी एक प्रकार से देखा जाए तो न्यायिक कार्य कई देश में होंगे, विश्व में भी कई न्यायिक कार्य होंगे, जो गलत अत्याचारी दुराचारी या गलत तरीके से धन कमाने वाले, गलत तरीके से बिल्डिंग जैसे बनाने वाले, उन पे देखिए अभी भी गाज गिर रही है। बिल्कुल, इससे दिक्कतें अभी चलती रहेंगी। तो इस जी। देश के इस वर्ष के राजा शनि है, इससे न्याय के देवता हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ सभी लोग करते रहें, हनुमान जी की आराधना, क्योंकि शनि वर्ष के राजा हनुमान जी की आराधना करते रहें, और प्रथम दिन देवी जी का आ रहा है नवरात्र, इसीलिए प्रारंभ हो रहे हैं, सभी लोग कलश की स्थापना करें, क्योंकि मंत्री का पद देवगुरु बृहस्पति को मिला है, इससे जो धर्म कर्म करने से ही सभी का कल्याण होगा, इससे सभी लोग धर्म कर्म पूजा पाठ इसमें वृद्धि कर दें जी। बिल्कुल, नवरात्र के बारे में भी आपने बता दिया कि पहले दिन कलश स्थापना कैसी हो, नववर्ष कैसा रहने वाला है ये भी बता दिया। अब बात करते हैं व्रत की, क्योंकि जब नवरात्र की बात होती है तो आस्था लोगों की काफी बढ़ जाती है और वो 9 दिन के व्रत का विधि विधान भी पूछते हैं, उसका महत्व भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग है वो तो जानते हैं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो व्यस्त रहती है, वो इस बारे में इतनी जागरूक नहीं है, तो उनको बताइए कि जो 9 दिन का उपवास होता है उसका महत्व क्या होता है और कैसे रखना चाहिए व्रत। 9 वर्ष प्रारंभ होते ही नवरात्र आते हैं और ये 4 बार आते हैं, 2 बार तो प्रचलन में है, 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं। तो नवरात्र में व्रत रहने से क्या होता है कि शरीर ये मशीन रूपी शरीर है जी, व्रत उपवास करने से एक तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बीमारी रोग विकार दूर होते हैं, दूसरा उपवास करने से जो शरीर हमारे मशीन है इसको आराम मिल जाता है जी। जैसे हम कहते हैं कि व्रत रहने से क्या हमको लाभ मिल जाएगा या हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ जाएगा, तो बहुत अधिक फर्क पड़ेगा, कई लोग इसमें सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। 9 दिनों में देवी जी के दिन होते हैं और ये बहुत ही सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। इसमें एक तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, अगर आप अच्छे से और लगन से माता जी की पूजा करेंगे, तो हम लोग इसको प्रमाण के रूप में भी देखे हैं कि कई बार माता जी के दिनों में जो भी आप जब सिद्धि पूजा पाठ करेंगे वो सफल हो जाएगा, जो भी आपकी कामना होगी वो 9 दिनों में पूजा पाठ करके पूर्ण हो जाएगी। दूसरा शरीर को भी बहुत लाभ मिलता है,
हम जैसे दिन भर साल भर खाते पीते रहते हैं, और ये ऐसा परिवर्तन का समय रहता है कि इसी आपने देखा होगा पिछले साल इसी अप्रैल में कोरोना इत्यादि भी बढ़ने लगा, जिससे काफी, और हर साल आता है जी इस बीमारी लोगों में जुकाम, क्योंकि मौसम उतार चढ़ाव समय होता है तो कई लोगों में बीमारी की समस्या उत्पन्न होती है, कई पेट की बीमारी है, सर्दी जुकाम है और खांसी इत्यादि है, तो कई ये समय रहता है। इसीलिए माता जी ने ऐसा ये प्राचीन समय से वेदों से चला रहा कि आप इस महीने में उपवास करिए, जब आप कम खाएंगे उपवास करेंगे तो आपका मन भगवान की तरफ लगेगा और निद्रा कम आएगी जी। और आपका ध्यान जब भगवान की तरफ लगेगा, कम खाएंगे कम, तो पेट को भी मशीन को भी आराम मिलेगा, जिससे आपके जीवन में और आपकी आयु में वृद्धि हो जी। तो माता के 9 दिन होते हैं, 9 के 9 दिन अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग माता के होते हैं, माता के 9 अलग अलग स्वरूप हैं। तो अगर बात करिए पहले स्वरूप की, माँ शैलपुत्री की, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, उनको कैसे प्रसन्न करें, पहला दिन कितना महत्वपूर्ण है। प्रथम शैलपुत्री है माँ, प्रथम शैलपुत्री का दर्शन पूजा करने से मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इनको दूध का बना हुआ भोग लगता है, इनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर है और लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, वृक्ष पे विराजमान है, इनका स्मरण करने से हमें सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का, इनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे हम, चाहेंगे अब हमारे दर्शकों को बताएं कि इनका स्वरूप कितना भव्य है, कैसे इनकी पूजा अर्चना करें। ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेने से ही ऐसा प्रतीक होता है कि वो ब्रह्म को और धारण किए हुए हैं, वो ब्रह्मचारिणी तपस्विनी के रूप में माँ विराजमान है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और तपस्या, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माता जी के माला लिए हुए हैं और उनका स्वरूप बड़ा ही दिव्य है। भगवान शिव को प्राप्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने तप किया था, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी का दर्शन पूजन करने से पति की प्राप्ति, जो जिनकी शुक्र की महादशा इस वर्ष चल रही वो भी माता जी के द्वितीय दिन माता जी की तपस्या पूजा करके, जिन कन्याओं का विवाह होने में थोड़ा सा विलंब लग रहा है वो भी माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन ध्यान करके द्वितीय दिन उत्तम पति की प्राप्ति के लिए व्रत तप जप कर सकते हैं जी। तृतीय दिन चंद्रघंटा, चंद्रघंटा का दिन ये कितना महत्वपूर्ण है। माँ चंद्रघंटा, चंद्रघंटा माता के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और इनका शेर पर सवारी है माता जी की, अष्टभुजाधारी है माँ और सभी भुजाओं में माता जी के अस्त्र शस्त्र हैं, और इन माता को प्रसन्न करने के लिए दूध की बर्फी का भोग लगाना उत्तम माना गया है। इसे तृतीय दिन माता जी को दूध की बर्फी का भोग लगावें और जो कामना आपकी हो माता जी से प्रकट करें, माता जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आचार्य जी चौथा दिन कूष्मांडा, माँ कूष्मांडा का कैसा स्वरूप है। कूष्मांडा माता का स्वरूप बड़ा ही दिव्य है, अलौकिक है, और माता कूष्मांडा कि उदर से, ऐसा शास्त्रों का मत है कि उदर से सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी माता कूष्मांडा की। इसलिए कूष्मांडा जैसे संतान प्राप्ति के लिए भी, जिन महिलाओं के संतान विलंब से हो रहे हैं या नहीं हुए हैं, वो माँ कूष्मांडा का दर्शन करके पूजन करके संतान की प्राप्ति कर सकती हैं, और माता जी को माल पुए का भोग लगता है, इससे विशेष जो है मालपुए का भोग लगा करके माता कूष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है। अब पांचवें दिन की बात करते हैं, पांचवा दिन होता है स्कंद माता का, स्कंद माता का भव्य रूप किस तरह से वर्णन करेंगे। माँ स्कंद माता, स्कंद माता के गर्भ से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई, कार्तिकेय जो साहस पराक्रम के स्वामी हैं, इसलिए माता जी का पूजा करने से जैसे गर्भ में शिशु है उनके लिए विशेष है, क्योंकि कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड में सबसे साहसी और पराक्रमी हैं, इसलिए आज के दिन माता जी का स्मरण करने से, पूजन करने से बहुत ही साहसी संतान उत्पन्न होती है और
उनके रक्त विकार नहीं रहता है। माता जी का जैसे कार्तिकेय जी सभी देवों में सबसे साहसी पराक्रमी थे, इसी प्रकार उस दिन माता जी का स्मरण करने से, पूजन करने से संतान बहुत साहसी और वीर उत्पन्न होती है और माता जी को केले का भोग लगाने से लाभ मिलता है। इसे सभी भक्त माता जी का पूजन करेंगे और केले का भोग लगाएंगे। आचार्य जी, छठा दिन माँ कात्यायनी का जो रूप है काफी भव्य है और उनकी पूजा अर्चना कैसे करें, क्या बताएंगे उस रूप के बारे में? माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री है। कात्यायन ऋषि जिन्होंने बड़ी घोर तपस्या की, तो माता जी स्वयं पुत्री के रूप में कात्यायन के उत्पन्न हुई, इसीलिए माँ कात्यायनी, और इनका स्मरण करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अगर आप कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो माता कात्यायनी के दिन छठे दिन माता जी की सिद्धि प्राप्ति, जो भी आप मंत्र जप करेंगे जी वो आपका सिद्ध हो जाएगा, इसलिए खष्टम कात्यायनी, और उस दिन शहद का विशेष जो है माता जी को भोग लगता है। शहद या तो थोड़ा सा वहीं पर कटोरी में रख करके माता जी को भोग लगा दें, और या शहद थोड़ा सा माता जी के मुख में लगा दें, लेकिन फोटो में मुख में नहीं लगाते हैं, पंचामृत में भी आप शहद मिला करके माता जी के समक्ष भोग अर्पित कर सकते हैं, जिससे माता जी प्रसन्न होती हैं और सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। जी आचार्य जी, सप्तम दिन काल रात्रि का होता है, जो कि हर एक काली रात को जीवन से दूर करने के लिए भी मानी जाती है कि इनकी पूजा करेंगे तो जीवन से हर काली रात दूर हो जाएगी, क्या बताएंगे कालरात्रि माँ के बारे में? माँ कालरात्रि बहुत ही विकराल स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार माता कालरात्रि का रूप बड़ा ही भयानक है, डरावना है। उनके ऐसा लगता है कि नेत्र ऐसे हैं जैसे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र, इस तरह से उनके एक एक नेत्र हैं बड़े बड़े, उनका बहुत विशाल रूप है। और माँ कालरात्रि दुष्टों के संहार के लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया, क्योंकि माता जी के, दुर्गा जी के ही ये सभी रूप हैं, और उसमें अलग अलग माता, जैसा जो व्यक्ति होता है, जो राक्षस दैत्य होता है और जो जैसा कार्य करता, उसी प्रकार माता जी अपना स्वरूप धारण करती है। इसलिए माता कालरात्रि जो है सभी दुष्टों के संहार के लिए माता ने ऐसा रूप धारण किया, और उनके गले में मुंडों की माला है, आंखों से ऐसा लग रहा है कि आग ऐसी ज्वाला भभक रही है, निकल रही है, बड़े बिखरेले बाल हैं, बड़ा भयानक, लेकिन उनका स्मरण करने से आपके अंदर शक्ति प्राप्त होती है और लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई आपका विरोधी है, आपका शत्रु है, तो माता कालरात्रि का जो पूजन भक्त करते हैं उनको उन बुरी शक्तियों से भी राहत होती है, जैसे भूत प्रेत है, चुड़ैल आती है इत्यादि, ये सब हैं, तो उस दिन रात्रि को पूजन करने से सिद्धि भी प्राप्त होती है और कई प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं जी। उनको विशेषकर अगर हम भोग की बात करें तो गुड़ का भोग उनको प्रिय है, इससे माता जी के सामने गुड़ का भोग लगाने से माता जी अति प्रसन्न होती हैं और दुष्टों के संहार के लिए उन्होंने ये ऐसा रूप धारण किया जी। नवरात्र की अष्टमी यानी महागौरी का दिन, महागौरी के दिन लोग जो पहला और आखिरी उपवास रखते हैं वो दिन भी माना जाता है, इस दिन उपवास रखेंगे, नवी पे कन्या पूजन करेंगे वो दिन भी है, और साथ ही महागौरी को प्रसन्न करने का दिन भी है, किस तरह से देखते हैं? महागौरी ऐसा सुनने में आता है कि गौरी गौरवर्ण सबसे सुंदर और एक गौ बहुत सुंदर रूप होने के कारण का नाम महागौरी पड़ा, बहुत दिखने में दिव्य, सभी देवियाँ दिव्य हैं लेकिन माँ गौरी का जो स्वरूप है वो सबसे सुंदर है, और माँ शिव की जी की अर्धांगी भी गौरी जी हैं। गौरी जी का पूजन करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पहला आखिरी व्रत रहते हैं, गौरी पूजा वैसे भी सबसे प्रमुख मानी गई है जी। गौरी का पूजन राधा जी ने किया, माँ सीता जी ने गौरी पूजन किया, तो गौरी पूजन करने से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और आज के दिन पहला आखिरी व्रत भी लोग अष्टमी को, कई लोग, कई भक्तगण माता जी का व्रत भी रखते हैं पूर्णता के लिए, क्योंकि महागौरी का पूजन करने से एक तो रूप लावण्य की प्राप्ति होती है, सुंदरता की प्राप्ति होती है, अगर आपका किसी का भी भक्त का जो सुंदर अगर रूप चाहिए, सुंदर गौरवर्ण चाहिए,
तो गौरी जी का पूजन करने से सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन हवन सिद्धि भी लोग करते हैं जी, पूर्णता भी व्रत की करते हैं, इसलिए महागौरी का पूजन करने से बड़ा ही लाभ मिलता है। इनका स्मरण करने से संतान की प्राप्ति होती है। नवा दिन जिसे रामनवमी भी कहते हैं, नवरात्र की नवमी, और अगर माता की बात करें तो सिद्धिदात्री का दिन, तो सिद्धियों की दात्री है माँ सिद्धदात्री। सिद्धात्री माता का स्मरण करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। नौ दिन का पूर्णता का वो दिन है, माता जी को आठ दिन का व्रत रह करके सभी प्रकार की, उनका जो स्वरूप है बड़ा ही सुंदर है और सभी अष्टभुजाओं में वो अपने हाथ में सभी कुछ अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, पुष्प धारण किए हुए हैं जी। और उनका स्मरण करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और आज ही के दिन माँ सिद्धात्री पूर्णता का भी दिन है, नौ दिन का जो व्रत उपवास किए हैं वो हवन भी लगभग अधिकतर लोग नवे दिन हवन करके जी। माता जी को प्रसन्न करते हैं, उनको पुए का भी भोग लगाते हैं, खीर पूरी का भी कई भक्त भोग लगाते हैं, हलवे का, उनको जिस प्रकार आपके घर में कभी कभी ऐसा देखा गया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग परंपराएं होती हैं कि नौवें दिन हमारे यहाँ ये भोग लगता है, कुछ लोगों के यहाँ खीर पूरी का लगता है। तो इस प्रकार जो भी जिस प्रकार से, और कुल देवी का भी बहुत लोग पूजन करते हैं अपने उसी दिन, तो जो जिस प्रकार से भक्त अपने अपने घर की परंपराओं कुल रीति के अनुसार जी करना चाहते हैं, उस दिन माता जी को प्रसन्न करके सिद्ध देने वाला फल प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उस दिन कामना करेंगे आपकी कामना सिद्ध होगी, पूर्ण होगी और माता जी की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। और आज ही के दिन भगवान श्री राम जी का जन्म भी हुआ था, दोपहर में 12 बजे, श्री कृष्ण जी का रात्रि में 12 बजे और भगवान श्री राम जी का दोपहर में। ये भगवान श्री राम जी का जो विष्णु के अवतारों में 7वां अवतार माना गया है श्री राम जी का जी। इसलिए भगवान ने जब देखा दुष्टों के संहार के लिए, जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने राम का अवतार धारण किया 12 बजे, जिससे जैसे उत्पन्न हुए पूरे सृष्टि में संसार में सब देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सब देवता प्रसन्न हो गए भगवान के इस अवतार पर। बहुत ही सुंदर गौर वर्ण के भगवान श्री राम जी, जिनकी करक लग्न है और बहुत ही दिव्य, जिन्होंने पूरे दैत्यों का संहार किया। और आज भी राम जी का हम लोग गुणगान करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं जी। और जगह जगह आज के दिन रामनवमी मनाई जाएगी, राम भगवान का सभी मंदिरों में जय जयकार होगा, कहीं रामचरितमानस का पाठ होगा, कहीं सुंदरकांड का पाठ होगा। और आज के दिन भगवान श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए भी रामनवमी का व्रत उपवास भी करते हैं। इससे जो पूर्णता है व्रत की वो दशमी को मानी गई, क्योंकि रामनवमी नवमी तक व्रत लोग रहेंगे और व्रत रहने के बाद दशम दिन दसवें दिन पे पूर्णता के लिए व्रत का पारण करेंगे, जिससे व्रत पूर्ण होगा और सभी को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी जी। भक्तजन कई तरह के पूजा पाठ करते हैं माता को खुश करने के लिए, कई तरह से आरती करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, कुछ लोग जागरण भी करते हैं। तो अगर बात करी जाए पाठ की, तो दुर्गा सप्तशती पाठ जिसका लोग पाठ करना सबसे ज्यादा अहम समझते हैं, तो इसमें क्या बताया गया, आखिर इस पाठ का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? दुर्गा सप्तशती में सबसे प्रथम लिखा है कि देवी प्रपन्नार्थी, जो मंत्र है ये सबसे प्रथम लिखा है कि देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वर पाय विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। पूरे चराचर जगत में आदिशक्ति की ही गुणगान महिमा का गुणगान बखान है, इसलिए दुर्गा सप्तशती में स्वयं माता जी का ही गुणगान है। और माता जी की दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जो भी सिद्धियां मनुष्य चाहता है जी, जो मनुष्य चाहता है वो उसको प्राप्त हो जाता है, चाहे मनुष्य के काल सर्व दोष हो, पितृ दोष हो, राह कोई भी ग्रहरिष्ट हो, अगर देवी प्रसन्न हो गई जी तो जो मन वांछित फलों की प्राप्ति। इसलिए दुर्गा सप्तशती की महिमा का गुणगान अपने मुखारविंद से नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इतना अधिक फल है। हमने स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ करके सभी
माता जी का चमत्कार देखा है। इससे दुर्गा सप्तशती में कवच अर्गला कीलक और 13 अध्याय जो भक्त पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं या जिनके घर में पाठ किया जाता है या करवाया जाता है वो सभी मनोरथों को देने वाला है। इसलिए जितना हो सके, देखिए माता जी की पूजा पाठ हर एक, कहते माँ ही तो है वो, हर एक बच्चा उनका बालक है। और किसी को कम ज्ञान है, किसी को अधिक ज्ञान है, किसी को वेद मंत्रों के साथ कोई अपने घर में नहीं किसी को बुला सकता, तो हर एक की माँ मनोकामना पूर्ण करती है। इसे नवरात्र में हर एक भक्त अपनी अलग अलग श्रद्धा के साथ, भाव के साथ जी अपनी अपनी पूजा को करते हैं। दुर्गा सप्तशती का अगर एक भी श्लोक, एक भी मंत्र अगर रोज जप लिया जाए 9 दिन में, कोई भी एक श्लोक, दुर्गा सप्तशती में पीछे सब मंत्र दिए हैं, सब कामनाएं दी गई हैं दुर्गा सप्तशती में जी, लास्ट में उत्तरांग में, तो कोई भी एक भक्त जो जिसकी कामना हो जी, वो अगर नहीं पाठ कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ, तो उस मंत्र को अपना 9 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हर एक की माँ एक समान है, हर एक की एक ही शक्ति है जिनसे सारी शक्तियाँ उत्पन्न है। इसे 9 दिन में जो भी भक्त जिस प्रकार से माता जी को भजना चाहे, ध्यान करना चाहे, पूजा करना चाहे, वो सभी माँ स्वीकार करती है। जी, तो हमने पूरे 9 दिनों के बारे में जाना, माता के 9 स्वरूपों के बारे में जाना, उन्हें कैसे खुश करना है ये भी जाना। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि इन 9 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए। 9 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। 9 दिनों में देखिए बहुत ही सृष्टि का पहला दिन है और हमको चाहिए कि हर एक व्यक्ति को चाहिए जो दर्शक माध्यम से देख रहे हैं चैनल के, कि इन 9 दिनों में कुछ बुराइयों का त्याग करें। क्योंकि हर एक मनुष्य मानव शरीर में ही है तो हर एक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां रहती हैं और कुछ न कुछ गलत मन में विचार चलते रहते हैं। चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हर एक मनुष्य को चाहिए कि इन 9 दिनों में एक तो अच्छे से अच्छे विचार मन में रखें, क्योंकि जब सात्विक विचार रहेंगे, हम कितना खाते पीते रहते हैं, लोग नॉनवेज खाते हैं, तो कम से कम इन सब चीज़ों को त्यागना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ी पूजा नहीं कर सकते, माता जी के व्रत भी नहीं रह सकते इतनी व्यस्तता में, तो कम से कम इतना करें कि 9 दिन में कोई भी ऐसा आहार ना ले जो तामसी हो, सात्विक आहार लें। इतना अच्छा आप कम से कम इन्हीं 9 दिन में आप कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा माता जी के लिए नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना अपने शरीर, क्योंकि उससे शरीर को भी लाभ मिलेगा। माता जी के पूजा के करने से अपने शरीर को भी लाभ मिलता है। इसलिए कम से कम तामसी भोजन ना करें 9 दिन तक, उपवास करें। अगर उपवास नहीं कर सकते हैं तो प्रातःकालीन उठ करके मंदिर चले जाएं, जो पास में मंदिर हो वहाँ देवी जी की आराधना कर लें। अगर अपने घर में स्थापना नहीं किए हैं तो मंदिर में जाकर के उस दिन पूजन करें और कम से कम दिन भर उपवास करें और रात में एक ही बार खा लें। अगर जो पूरा नहीं रह सकते हैं जी, पूरे दिन नहीं रह सकते हैं, तो दिन भर हल्का आहार लें, ये सोच करके कि हमारे शरीर को भी थोड़ा सा आराम, मशीनों को भी मिल जाए। बिल्कुल, इससे व्रत इसीलिए नहीं रह जाता कि आपकी सिद्धियां ही प्राप्त करनी है, व्रत इसलिए भी रखा जाता कि हमारे शरीर को भी थोड़ा सा राहत मिले। इससे शरीर के आराम के लिए भी आप हल्का आहार लें, झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य से रहें, क्योंकि ये बड़े कड़े नियम हैं और ये सभी लोग जानकारी सभी को नहीं रहती है। वो जैसे नित्य रहता उसी प्रकार नवरात्र में उनको पता ही नहीं चलता है कि नवरात्र क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे ब्रह्मचर्य से जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उनकी एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आने वाली जो बीमारियाँ, क्योंकि अप्रैल माह में कई प्रकार की बीमारियाँ भी शरीर को छूने वाली होती हैं, उनसे बचे रहेंगे और स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, माता जी की इसी कृपा भी प्राप्त होगी और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए कि नवरात्र के समय क्या करें क्या ना करें, तमाम चीजों के बारे में हमने आचार्य जी से जाना। और आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि नवरात्र के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, माता के जो 9 स्वरूप है उनको कैसे खुश करें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नववर्ष की और नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्र की मंगल कामनाएं, सभी का दिन मंगलमय हो, सभी का वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।